बा जरा देख लो, शक्ल देख लो, सरकारी स्कूल के इंजीनियर लोग कैसे लगते हैं देख लो। हाँ भी बोल रहा है, देख मुंह लाल दिख रहा है इधर से, देखा दो तीन झाप लगा इसको सफाई देते हुए दो तीन झाप मार खाने के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं समर मलिक, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार है जो कि मेरा हौसला अफजाई करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि माशाल्लाह आजकल आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक भी करते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं एक बात बता दूं जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं कि आपकी जो कमेंट्स है मैं उन्हें एज एडवाइस के तौर पर देखता हूँ, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे कभी भी नीचा दिखाना नहीं चाहते होंगे या कभी भी मुझे ना डिमोलाइज करना नहीं चाहते होंगे। आपकी हर एक बात मेरे लिए एक सजेशंस के तौर पे होती है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम अपने कॉलेज जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो मैंने सेफ्टी गियर्स सारे पहन रखे हैं, ग्लव्स हो गया, शूज़ भी हो गया, और एक लिमिटेड स्पीड में ट्रैवल करना है क्योंकि भाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो ज़्यादा चूल नहीं काट सकते और ज़्यादा चाँप नहीं सकते भाई। तो चलो पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मोगरा का पुल जो कि न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका, वो रहा, वहाँ से पानी का सारा सप्लाई होता है। अरे भाई साहब देखो, किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है भाई। इस टर्निंग पे ना एक बहुत ही बड़ा ब्रेकर था, ब्रेकर चाहिए था बट वो ब्रेकर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उस ब्रेकर को किसी ने तोड़ दिया। भाई मेरी जो ह्युंडई अमेज है उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो ऐसे ऐसे ब्रेकर लोग रोड में बना दे रहे हैं कि जैसे अपनी कार को हम पार करते हैं ना तो नीचे का जो है ना वो रगड़ा जाता है साला। और फैमिली लेके रहते हैं और जब ज़्यादा लोग रहते हैं कार में तो कार के एक तो ऐसे ग्राउंड क्लियरेंस कम है और उसकी वजह से ना लोगों के वेट की वजह से ना कार और ज़्यादा नीचे हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि नीचे रगड़ा जाता है, काफ़ी डैमेज हो जाता है। देशी शराब दुकान 300 मीटर अहेड। भाई देखो तंबाकू शराब इन सब चीज़ों से दूर रहना क्योंकि इससे ना वो टट्टों का कैंसर हो जाता है भाई, इसे सुना था मैंने। कॉलेज जाने का मेन पर्पस ये है, 7 सेमेस्टर की बुक्स है उन तमाम बुक्स को रिटर्न करना है। 24th को हमारा ना फर्स्ट प्रोजेक्ट रिव्यू है। ये देखो बिजी रोड में ये गाड़ी शायद चलाने सीख रहे हैं क्या? ये यहाँ का सबसे ज़बरदस्त अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला भाई। इसको एक तो पहले से बाउंड्री कर दिया गया, अब लेवलिंग किया जा रहा है, शायद यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर हो सकता है कोई शॉपिंग मॉल बन रहा होता है। अरे भाई साहब ये बहुत रिस्की था भाई। वैसे वो बस वाला रुका हुआ था, अचानक से बस स्टार्ट कर दिया, सामने से ट्रक आ रहा था, मुझे बीच से निकालना पड़ा भाई। ये भाई गौ माता, भाई देखो ये यहाँ से जंगल का आगाज़ है भाई, ये सारा जंगल है भाई, वहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पर जानवर और बहुत सारी चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, माँ पार्वती। बस का आपको बता देते भाई, इस रास्ते से बस में कभी ट्रैवल मत करना, इतना ख़राब बस चलाता है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त लोग जा रहा था तो क्या हुआ कि ना इतना स्पीड में था कि एक बकरी सामने आ गया ना तो गाड़ी खेत से नीचे उतार दिया। भाई साले बकरी को बचाने के चक्कर में तुम आदमी का जान रिस्क में डाल दे रहे थे। टर्निंग देख रहे हो भाई, कम रिस्की टर्निंग है। यो अरे भाई साहब देख रहे हो, ज़रा व्यू देखो भाई, हर तरफ जंगल है, जंगल के बीच से इस रोड को चीर के निकाला गया है। ये देखो 107 00 भाई, 107 00 को जो इतना तारीफ की जाए ना कम है भाई। यार क्या फीचर्स है और क्या पिकअप है यार, क्या साइज है उसका। थोड़ा सा फेल के निकालते हैं यहाँ पर, पीछे बोल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। ये सागर कटा भाई, सागर कटा का एक बहुत ख़राब जो है ना इमेज बन चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जो छिनताई है ना, जो लूटपाट बीच में होता था, आप तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि पहले के जो कुछ लोग थे इस बस्ती को पूरा बदनाम कर देते भाई। कहा जाता था ना कि यहाँ से वो लोग लूटपाट किया करते थे, देखो सब तरफ घर है, आप पता नहीं कहाँ से वो लोग निकलते थे, पता नहीं कहाँ घुस जाते थे। तो ना रात के टाइम पे इस जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा छिनताई हुआ करती थी। कुछ दिन पहले एक और बात बताते हैं कि कुछ लड़के लोग मिल करके ना एक शायद 4-व्हीलर वाले से छिनताई कर रहे थे, तो इसी बस्ती के लोगों ने उस जो चोर था उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया था। तो बस्ती वालों का गलती नहीं मैं बता रहा हूँ, इस जगह पे होता हुआ मैं वो बता रहा हूँ। सागर कांटे के पास देखो ये जो जगह है ना, ये सारा नक्सली एरिया देख लो, यहाँ से चोरी करके चोर कहाँ घुस जाता है, उधर भी रास्ता चोर कहाँ घुस जाता है पुलिस तो को पता नहीं चलता है भाई। देख रहे हो भाई यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट्स इतना ज़बरदस्त आएगा कि आपको मैं क्या बताऊँ, बट मैं रुक करके कुछ ऐसा ओल पोल हरकत करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना भाई, घर में पहले ही डांट सुन चुके, सुकून से जाना सुकून से आना। रोड इतनी ज़बरदस्त रोड है यहाँ पे,
सेकंड अरे गिरगिट गिरगिट नो 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 देखो गिरगिट था। तो यहाँ पर हाथी भालू बंदर तमाम जानवर आम है। यहाँ के लोगों का मानना है, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन लोगों का मानना है कि दूर से एक पत्ता तोड़ करके लेकर के आते हैं और इस जगह पे देखो पत्ता वो लोग गिरा देते हैं। उन लोगों को शायद ऐसा आस्था है कि ऐसा करने से ना वो लोग सारे हादसात से महफूज होते हैं। जो इतना पत्ता दिख रहा है ना ये पेड़ से गिरा नहीं है, वो लोग ऐसे जाते तो पत्थर से फेंक देते हैं, ठीक है ना। उन लोग ऐसा मानना है भाई, उन लोग का ऐसा अकीदा है, उन लोगों का ऐसा हो सकता है आस्था है। तो किसी की आस्था पे हम बात नहीं कर सकते, अपना अपना हर किसी का आस्था होता है। ये है मेन सिरिसिया घाटी, देख लो यहाँ पर भाई साहब। गलती से गाड़ी मत रोकना यहाँ पर रात के टाइम पे, क्योंकि इसको ना बहुत थोड़ा सा इनसिक्योर जोन है ये वाला, यहाँ पर रुका नहीं जा सकता, यहाँ पर भी चांसेस है नक्सली रोका। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ है भाई, ये पहले से बना हुआ था बट इसको तोड़ करके ना फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये शहीद स्मारक है, इसको भी कभी हम लोग एक्सप्लोर करने आएंगे भाई। ये देखो भाई साहब का पीछे का एंगल खुल गया, एंगल खुल गया भाई गिर जाएगा। देखो भाई ये बात बता दिया उनको, क्योंकि बेचारे का एंगल जो खुल गया था ना वो किसी भी जगह हो सकता है ब्रेकर को क्रॉस करते हैं वो एंगल गिर गया था। तो छोटी छोटी नेकी जो है ना वो इंसान के काम आती है मेरे भाई, इस चीज़ से कभी पीछे मत हटना। ये है बड़ा जी पानी, शायद ट्यूसडे के दिन यहाँ पे मार्केट लगता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। ये जो इतना ताम झाम दिख रहा है वो सारा बाजार के दिन के लिए था, आज फ्री भाई। ये इस जगह पे हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि यहाँ पर आगे में गड्ढा भी है, पेड़ के छाया की वजह से ना वो गड्ढा दिखता नहीं है। देखो यहाँ पर तो कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं ना, देखो यहाँ पर गड्ढा, देखो कैसा दिख रहे हो, ये गड्ढा है, मतलब वैसा गड्ढा नहीं गाड़ी पलट जाए बट हाँ गाड़ी पटकती ज़रूर है यहाँ पर। ये पिकअप वाला तो साइड ही नहीं दे रहा भाई, इसको पार करते हैं। तो हम लोग क्या है कि चाहते हैं तो झिकपानी से भी जा सकते थे बट नहीं, हम लोग गंगा भाषा से हम लोग राइट लेंगे। ये रास्ता हमें सीधे कॉलेज के गेट पे निकालेगा, जो लोग नहीं जानते वो जान लो, जो जैसे गंगा भाषा पहुंचना ये पंजाब नेशनल बैंक है ना इस तरफ से राइट ले लेना भाई, जो बोर्ड लगा हुआ है देखो, देख रहे मंगल सिंह कंडित जेरोक्स, इस जगह से राइट ले लेना। ये तुमको सीधे इस रोड को पकड़े रहना, ठीक है, ये रोड तुमको सीधे कॉलेज के गेट तक निकालेगा। ओफो ट्रैक्टर को पार करते हैं भाई। तो देख लो वो गवर्नमेंट का कुछ है लगता, मॉडर्न विद्यालय झिकपानी, मॉडर्न विद्यालय झिकपानी को। फिर मेरी किस्मत कितनी ख़राब है भाई, झिकपानी का जो ये गेट सारी ज़िंदगी खुली रहती है, हमको देख के आज गेट गिरा दिया क्योंकि ट्रेन आ रहा है भाई साहब। ट्रेन तो पार हो गया, गेट खुला, मान गया अपनी किस्मत को भाई, बस यहाँ भी गेट गिरा मिला। आज तक कभी भाई इस चार साल की ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम इस रास्ते से ट्रेन को पार होते हुए देखा। तो ये भी एक स्कूल है देख लो, बट ये ना हमको लगता है ये शायद प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल से बच्चे पढ़ के निकले सीधे सेकेंडरी में चले जाए, बढ़िया भाई लोगों का। देखो ये रहा हाईवे, वो रहा थाना, इस हाईवे से सीधे निकल जाएगा हाटगंवरिया, वो रास्ता सीधे तुमको ना कॉलेज तक जोड़ देगा। उमेर कहाँ गया, ये गाड़ी उमेर की है, ये रहा उमेर, ये देखो ये पढ़ने वाला बच्चा है। गर्मी है बेला, पानी पिला। और कैसा है यार तुम इधर भी? अभी आए, वो प्रोजेक्ट का 24 को प्रोजेक्ट है अपना, तो मिल लेते हैं इससे मृगेंद्र से। तो यहाँ पे मिल गया था अपना भाई अरमान, इसको पहले भेज दिया था, मेरी बहन को लेकर के आया था, तो कुछ खा पी लिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा साला गर्मी लग रहा था। चलते हैं कॉलेज, बुक्स जमा करना है, पैसे पहले तो अपना हॉस्टल जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा हवा खा लेते हैं। देखो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड रन बाय टेक्नो इंडिया अंडर PPP, ये अपना कॉलेज भाई, ठीक है, टेक्नो इंडिया। अरे भाई साहब गुड मॉर्निंग भैया, आ रहे आ रहे रख के आ रहे हैं। ये है जैसे इंटर करो अंदर के बॉयज़ मिले, ऐ दिशा में जा रही है बॉयज़ हॉस्टल, सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। शर्ट पहले यहाँ उतार देते हैं भाई, हालत ख़राब हो रहा है, गाड़ी को लगाते छाँव में। तो ये रहा सीनियर बॉयज़ हॉस्टल अपना, तो पता करना होगा कौन कहाँ पे। वे पीयूष कहाँ, पीयूष कहाँ यार, ये रहा देख रहे हो 001, कितना शरीफ बच्चा है भाई, अभी तक पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ कैमरा कैसा रहा। तो ये रहा अपना भाई का रूम, हाँ गंजी में रिकॉर्ड कर लिया भाई।
तो देख लो भाई, बॉयज़ हॉस्टल ऐसा रहता, सरकारी बॉयज़ हॉस्टल ऐसा रहता। और सब बढ़िया, अपना बॉयज़ हॉस्टल है। ये रहा मेरा भाई पीयूष, इससे तो मिल जगह छोड़ दो इसको। ये रहा जमशेद, ये रहा प्रकाश। हाइट नहीं है, बुक्स जमा करना था, बहुत ज़्यादा वेट है मेरा, शर्ट भींगे, शर्ट सूखने के लिए। ये देखो ये ब्लूटूथ इसका ऐसे रखी हुआ, इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो पहले से टूटा बहुत टूट जाएगा। देख रहे हो कंडीशन इसका, बस चोर भी इसको ले जाने से पहले देखेगा ऐसे बोलेगा भाई इसका जर्जर हाल है, पॉकेट से 100 रुपये निकालेगा रख के दे देगा, भाई ब्लूटूथ भी ले ले 100 रुपये भी ले ले, ये आलम इसका। ये सब चीज़ चोरी नहीं होगा यहाँ पे कभी। हम लोग चलते हैं जब तक ब्रिगेन सर से मिल लेते हैं, लाइट जब तक आ जाएगा। देखना फूक के शर्ट सुखा दे, नहीं सूखेगा तो थोड़ा चना खा ले। देख रहा भाई, मगर दोस्त मेरे बहुत अच्छे इंतजाम देख रहे कितना किए हुए ये लोग। देखो उसे दिख रहा पैकेट, दिख रहा वो मिक्सर का पैकेट था, वो हम लोग खा गए। अब आते हैं बुक्स जमा करना है लाइब्रेरी में। भाई ये लंच बॉक्स देख लो, मेस का भी सिस्टम यहाँ पे है, शायद ये मेस के लिए अरेंजमेंट्स किया गया। हम तो कभी हॉस्टल में रहें तो हॉस्टल के बता नहीं सकते लाइफस्टाइल। बताया गया कि जिन लोगों का पेड सीट है उन लोगों का तो फी अलग है, बट जो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके हॉस्टल को हायर करते बोलते 15,000 रुपये एक साल का लगता है, मतलब 12,500 से 1,300 रुपये एक महीने का लगता है उन लोगों को, प्लस फूडिंग अलग से। जैसे ये देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना स्पोर्ट काउंसलिंग से था और इसका काफ़ी कम फी लगता है, शायद 4,500 रुपये आता है सेमेस्टर का। यहाँ से निकलते हैं हॉस्टल से, जाते हैं लाइब्रेरी। ये रहा सेंट्रल लाइब्रेरी, जैसे एंटर करोगे पहले तुमको बॉयज हॉस्टल मिलेगा, उसके जस्ट बाद तुमको सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगा। बाय, बुक्स दे देते हैं यार, बहुत ज़्यादा वेट हो गया। ये देखो ये अपना लाइब्रेरी का अंदर का व्यू, अच्छा खासा अरेंजमेंट्स किया हुआ, बैठ के बच्चे पढ़ भी सकते हैं, बुक्स भी हायर कर सकते हैं। सर वो बुक्स डिपॉजिट करना था, बुक्स रख दें यहाँ पे? नहीं नहीं, बुक वहाँ पे नहीं रखते हैं। अरमान अपना बुक वहाँ पे रख दिया, उसके पास बैग नहीं था, अगर उस बैग में बुक को कैरी कर रहे हैं रख के छोड़ नहीं सकते। एक बुक भुला जाएगा तो 350 से 400 रुपये का फाइन है भाई, गरीबी में आटा गिल्ला क्यों करवा। ये लाइब्रेरी देख रहे हो कितना सही अरेंजमेंट्स किया गया भाई, तो बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये लाइब्रेरी, रिटर्न बुक्स बिफोर लीव लाइब्रेरी, कीप साइलेंस, डू नॉट स्टेज चेयर एंड टेबल। भाई इस 4 साल की ज़िंदगी में आज तक एक भी क्लास अटेंड नहीं किया, डे टू डे था इसका एडमिशन। जैसे एडमिशन लिया तो कोरोना लग गया, 2 साल ऐसे चला गया। ये देख लो पहला स्टूडेंट है जो अपने पूरे कॉलेज लाइफ में 8वें सेमेस्टर में आया, वो भी लास्ट टाइम में आया। ये जी सर, सर के रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर रखना, अगर बुक्स रखना तो अंदर रख दो। तो सर बुक अंदर दे देते हैं अपना, वो लाइब्रेरी कार्ड भी दे देते हैं सर, है ना? अगर नहीं भी आए तो अपडेट कर दीजिए, हम लोग जा रहे हैं मृगेंद्र सर से मिलने के लिए, कुछ ना प्रोजेक्ट है, कुछ काम है। पर बोल रहे कि बुक्स कैरी मत करो, अंदर रख दो। ये रहा अपना कुछ बुक्स था, ये है डायनामिक ऑफ स्ट्रक्चर्स का, ये रहा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये सब 7वें सेमेस्टर का बुक्स है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और एक रहा हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक। ये रहा मेरा लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है सारा चीज़ देते थे भाई। पैक का वेट अब थोड़ा कम हो जा करके, बुक इसका लाइब्रेरी कार्ड नहीं, मेरा लाइब्रेरी कार्ड देखो भाई कुछ ऐसा दिखता है लाइब्रेरी कार्ड, अच्छा लाइब्रेरी कार्ड नहीं होने के बावजूद बुक्स इशू कर दिए हैं, बताइए। थैंक यू सर। ये देखो ये मेरा रहा कार्ड, इतना ख़राब हैंडराइटिंग में रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए नीरज सर यहाँ पे है भाई, जब तक ये नीरज सर यहाँ पे, किसी भी स्टूडेंट को आज तक की प्रॉब्लम होने नहीं दी है सर। जहाँ तक अपना ये जहाँ तक होता है ना, अपने तरफ से स्टूडेंट के हित में ही काम करते हैं। बुक्स रहेगा सर तो स्टूडेंट पढ़ेगा, और आप बहुत बड़ा काम करें बुक इशू कर देते हैं जिनके पास कार्ड। जैसे ये देखिए इस बेशरम के पास कार्ड नहीं था, उसके बावजूद आप बुक इशू कर दिए सर, तो थैंक यू सर इसके लिए सर, हम लोग हमेशा याद रखेंगे आपको। तो बस हम लोग लाइब्रेरी से निकलते, यहाँ का काम हो गया हम लोग का। देखो भाई ऐसा सर टीचर हर जगह तुमको नहीं मिलता, सच में ये सर बहुत काइंड है, स्टूडेंट के लिए बहुत करते हैं भाई। हाँ तो सेंट्रल लाइब्रेरी से निकल के सीधे हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो जब पैदल आते थे इस जगह पे भाई साहब, चढ़ने में ना अपना थाई दर्द करने लगता था, पर एक तो बुक्स का वेट रहता था प्लस अपना वेट, और साथ ही साथ ये गर्मी वो हो रहा। देखो जूनियर्स बॉयज़ हॉस्टल, जब कोई फर्स्ट ईयर में रहता है चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, इसी तरफ रखा जाता है, बट जब सेकेंड ईयर में होता है, थर्ड ईयर में, फोर्थ, तो वहाँ डाल जाता है। हाँ देखो एक पुण्य का काम करते भाई, इनको लिफ्ट दे देते हैं। हो गया, पकड़ के बैठेगा, पीछे बैकरेज नहीं है। कौन सा ईयर है आपका? हाँ? कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। देखो भाई ये सेकेंड ईयर है भाई, अब हम ये सेकेंड ईयर का बंदा भाई इतना धूप में कैसे चढ़ता, क्योंकि यहाँ का जो तकलीफ हम जान सकते हैं वो सेकेंड ईयर में, हम फोर्थ ईयर में, अब इसको हम क्या ही बताएं कि हम फोर्थ ईयर में हैं। खैर छोड़ो, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। भाई इस बंदे को चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धूप देख रहे यहाँ पे, तो इसलिए हमें इसे लिफ्ट दे दिया भाई। ये रहा तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
एडमिन ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ से वो सब लोग ना, ये देखो ये हमारे कॉलेज का टॉप व्यू और ये हमारा ब्रांच सिविल। चलो क्या नाम हुआ दोस्त तुम्हारा? तुरीन मंडल। हॉस्टलर हो? घर कहाँ हुआ? घाटशिला में। चलो ठीक, अच्छा लगा दोस्त। हम लोग तुम्हारे सुपर सीनियर हुए, हम लोग फोर्थ ईयर के। ये सिविल ब्लॉक, ये देख रहे हो भाई, सिविल है तो ईंटा पत्थर से मुलाकात करा ही देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग वॉशरूम खोलेंगे, ठीक है ना, सेट कर लेते खुद को, कुछ करना नहीं है, देख लेते हैं। भाई साहब देख रहे हो, भींग गए भाई पूरा हम, ये एकदम ड्राई हो रहा है ना। हम लोग को मिलना है मृगेंद्र सर से, कि अपने अपने वो अपने प्रोजेक्ट हेड वही हैं, कुछ एडवाइस लेना उनसे। तो सर से मिल लिया, टेरिस पे से बहुत ही आयरोनिक व्यू मिलता है। तो ये देखो, तो देखो एसएससी प्लांट, एसएससी कॉलोनी जो कहते हैं, ये देखो टॉप व्यू मेरे कॉलेज का, ये अपना कॉलेज, कॉलेज का टॉप व्यू देख रहे हो, पूरा पहाड़ वहाड़ सब दिखता है वहाँ से। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है इस कॉलेज के, कॉलेज में, तो जेसीईसीई एंट्रेंस एग्ज़ाम एक होता है, उसको क्रैक कर दो, उससे भी होगा, और तुम्हारे जेई मेन से भी एग्ज़ाम होता है, मेन एडवांस भी होता है। और इन सब के बावजूद स्पोर्ट काउंसलिंग हो गया, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें। अगर इस सब के बावजूद भी अगर तुम एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, फिर भी तुम्हें एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में आके एडमिन ऑफिस में बात करो, या वह मैनेजमेंट कोटा पेड सीट होता है। सर हम लोग निकलते हैं, सर जाते हैं, सर हम लोग 23rd को आते हैं, ठीक है सर। तो एडमिन चलना ना, एडमिन चलना अपना, ये जो जबड़ा है ना, उसको थोड़ा मुंह बंद करके रखना, ठीक है ना, हर जगह तेरे बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये मेज़ है, कैफेटेरिया नहीं, ये मेज़ है। सरकारी स्कूल में ऐसे ही रहता मेरे भाई। तो यहाँ पर खाने बने अरेंजमेंट से, यहाँ पर खाना ठीक रहता भाई, भले देखने में अच्छा नहीं है पर खाना बहुत सही है। लैब के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मिल लेते दोस्तों से। गुड आफ्टरनून मैम। ये रहा अपना भाई, सबसे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अपना जॉनसन प्रिज्म का ये जो है ना, ये प्लेसमेंट क्रैक किया। ये अपना लैब है, देख लो, वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन्स वेर अवेलेबल इन दिस लैब, देख लो, देख रहे हो, ये लोग अपना टेस्ट कर रहे हैं, स्लम टेस्ट, कोन टेस्ट, आई रन द मशीन, आई मेंटेन द मशीन, जेसू हॉजन। इस लैब वैब का सारा अरेंजमेंट्स है, हैरी बोल्टन सीड। अच्छे से करना, हाँ अच्छे से करना, फकड़बाजी नहीं। ये देखो सॉइल टेस्ट कर रहा लगता है ये लोग, कोल्ड ड्रिंक भाई, कोल्ड ड्रिंक तक का इंतजाम किया हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इट्स नॉट अ कोल्ड ड्रिंक, इट्स अ जला मोबाइल। कोल्ड ड्रिंक बोल के पी मत लेना, जला मोबाइल। मुंह देखो कितना बड़ा फाड़ रहा कोल्ड ड्रिंक के नाम पे। अबे जला मोबाइल पी मत लेना, ये इतना एग्रीगेट। देखो सिविल का ऐसा चीज़ है ना भाई, लोग चोरी भी नहीं कर सकते हम लोग, इसको लेकर क्या करेगा बोल, गिट्टी को स्लम कॉन्टेस्ट। फिर बस निकलते हैं यहाँ से भाई हम लोग। मशीन्स अपने देखो, लैब के लिए सारा फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। ये अपना 7th semester का प्रोजेक्ट था, माइनर प्रोजेक्ट ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस न्यूक्लियर पावर प्लांट। मुँह देखा थोड़ा सा। ये एडमिन ब्लॉक भाई, जिन लोगों को एडमिशन लेना वो एडमिन ब्लॉक में आकर के वो लोग ना क्वेरी पर्पज से आके बात कर सकते हैं। ये रहा एडमिन ऑफिस, प्रिंसिपल रूम। तो अरमान मैम से बात कर रहा है, अरमान की पटकी चार हो रही है, फिर भी कोशिश कर रहा है मैम से बात करने का। ये एडमिन ऑफिस के अंदर का व्यू हमारा, ठीक है। तो दीन बंधु सर से मिल के बात करने के लिए मैम ने कहा, वो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए कुछ इशू अपना हो रहा है कि ऑफलाइन वो उसका जो चलान रिसिप्ट उसको कटाना है। और लास्ट टाइम तो हम लोगों ने ऑनलाइन पे किया था, अब क्या है कि शायद ऑफलाइन बैंक जा करके उसको रिसिप्ट कटाना होगा। ये रहा सेल्फी पॉइंट, दीवार के पास सेल्फी कौन लेगा भाई। हाँ तो इन्होंने कहा जिपानी में जा करके आपको चलान कटवाना होगा, मतलब फिर से जिपानी चलो, मतलब फिर से जिपानी जाकर वापस से कॉलेज आना होगा। धूप देख रहे हो। तो चलो वो उतनी के देखो ना ये लोग, अबे कहाँ जा रहे हो, कौन सर से इधर, ये चश्मा पहन के तो खूबसूरती में चार चांद लग गया इसका। ये भाई है जो चड्डी गंजी पहन करके लैपटॉप के पास बैठा हुआ था, देख रहे हो, और इसको देखो भाई। तो अच्छा वाला जा रहे थे बट इन लोगों को फिर से, अबे तो मेरे बाइक में एक आदमी होगा बैठ, इन लोगों को खराब देख रहे हो। एचओडी सर से मिलने के लिए दहशत बनाए हुए भाई सर, तो एचओडी सर अंदर में भाई, मेरी फट मेरे खुद फट रही है। जाओ तुम डर तो किस चीज़ के, अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो यहाँ पर ना डिसीजन लिया जा रहा है अंदर, पहले कौन घुसेगा,
बात करना है क्या? पॉइंट ऑफ नोट मिलो, ज़रा देख लो, शक्ल देख लो, सरकारी स्कूल के इंजीनियर लोग कैसे लगते हैं देख लो। हाँ भी बोल रहा है तो ये देखो जीता जाता नमूना एहतशाम एहतशाम के चोरी सर भी ले करके आए। क्या बोले सर तुमको, क्या बोले? तो देखो हम लोग एचओडी सर देख लो भाई, दूसरे ब्रांच तो कोई नहीं छोड़ रहे हैं, ये इसी ब्रांच का इसका भी ले लिया है, छोटा पक्का हो गया इसको। देख मुंह लाल लिख रहा है इधर से, देखा दो तीन चाप लगा इसको, सॉरी बोला, अब तब मार खाया होगा। अरे सफाई देते हुए दो तीन चाप मार खाने के बाद भी चल चल लेते शाम। तो वापस से आए हैं जमशेद के रूम पे, अनएक्सपेक्टेड ताला लगा हुआ है, कॉल कर दो इन लोगों को, चाबी किसके पास, शर्ट पहन के जाना भाई, नहीं तो हाथ जो है ना इस रूम की तरह काला काला हो जाएगा। तो बस कॉलेज से निकलते हैं, कॉलेज का काम अपना हो गया, जाना है बैंक, पता नहीं अरवान कहाँ चला गया। हाँ तो अभी हम लोगों ने फैसला किया है कि झिकपानी जा कर के अपने चलान रसीद कटाना, ठीक है ना, हम लोग हाईवे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो बाप रे बाप, हाईवे देख रहे हो कितना ख़राब है, देखो यार ट्रक देख लो यार, बस तुम ज़रा सा इमेजिन करो अगर रात का टाइम तुम इस रोड में घुस जाते हो और ये नो एंट्री खुला हो रहा है तो तुम कैसे फेस करोगे इन ट्रक्स को, सच में मुश्किल होगा। इसलिए हाईवे को अवॉइड करना, मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ, हाईवे को गलती से मत पकड़ना। रोड अभी भी वैसी जर्जर आलम में, कंडीशन रोड का बहुत ज़्यादा ख़राब है, ट्रक देख लो यार, बस तुम ज़रा सा इमेजिन करो अगर रात का टाइम तुम इस रोड में घुस जाते हो और ये नो एंट्री खुला हो रहा है तो तुम कैसे फेस करोगे इन ट्रक्स को, सच में मुश्किल होगा। तो आओ चलते हैं बैंक, बाप रे बाप भीड़ देखो जरा। और तो देखो भाई मेरा फॉर्म भर रहा है, ये हम लोग का चालान, इसको बैंक से क्या है ना कि अप्रूव कराना पड़ता है, एक रिसिप्ट मिलता है फिर उसको एग्ज़ाम फॉर्म के साथ फिल करके वापस से तुम्हारा ऑफिस में देना पड़ेगा हम लोगों को। एक काम थोड़ा सा पेचीदा था, अरमान जो कर रहा था आपको थोड़ा सा गलत लगा बट सही में बहुत बड़ा काम हो गया। देखो हम लोग का ये चालान रसीद हो गया, यार पैसा दे दिया, 2500 रुपये का चालान कटा लिया हम लोगों ने, जी हाँ सर, तो 2500 रुपये का चालान था ये। ये रहा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर का व्यू, तो ये देखो चालान भर लेने के बाद बैंक से निकलने के बाद ऐसा कुछ लगता है, ये वो UTR नंबर जो दिख रहा है, ये दिखाते तुमको 525 136, यही वो मेन नंबर जो हम लोगों को चालान रसीद में देना था, इसी की वजह से इतना माथा पीछे करवाया। तो बस पंजाब नेशनल बैंक से काम हमारा पूरा हुआ। ये झिकपानी में ब्रांच है भाई, बहुत सही ब्रांच है भाई, बिना कुछ पूछताछ के, बिना ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा लंच के बाद आना, वो सीन यहाँ पे नहीं था, गया चट सा पट सा काम हो गया। अब बस यहाँ से निकलना भाई, हिम्मत नहीं है और यहाँ रुकने का। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।